सीबीआई आएगी जाएगी ढाक का तीन पात उसको मिलेगा सीबीआई किसी निष्कर्ष पर उन्नीस वर्ष में नहीं पहुंच पाई तो भाई आज होली मिलन करने के लिए आए थे कल और परसों होली है और इस अवसर पर आप पहुंचे नमस्कार मैं हूं आप देख रहे हैं न्यूज़ आज हाउस पर सीबीआई की छापेमारी हुई इसको लेकर आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने बड़ा बयान दिया है सुनील सिंह ने कहा इससे पहले भी कई दफा लालू परिवार के यहाँ छापेमारी जो है वो सीबीआई जो है वो कर चुकी है उन्नीस सालों में सीबीआई के हाथ कुछ भी नहीं लगा तो अब क्या लगेगा गया बेबज़ा परेशान जो है वो लालू फैमिली को सीबीआई की तरफ से केंद्र सरकार की के तरफ से और बीजेपी की तरफ से किया जाता है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला रोलो मझक्का के बारे में सुनी लानू शादी के बारे में जो तो मझक्का होता है तो सीबीआई आजकल मझक्का करने में लग गई है कहने का मतलब यह है कि साहेब कर्नाटका में बीजेपी लीडर के यहाँ दस करोड़ रुपया पकड़ाया तो रेड होना चाहिए वहाँ तो रेड कर रहा है दस नंबर में दस करोड़ वाले के यहाँ नहीं रेड किया दस नंबर में आकर रेड किया तो कहने का मतलब यह है कि जो सीबीआई है ईडी है इनकम टैक्स है अपना क्रेडिबिलिटी खो चुका है आज देश के हर एक जनता जानती है कि सीबीआई बदले की कार्रवाई करती है सीबीआई उसी के यहाँ रेड करती है जो केंद्र सरकार के विरोध में होता है सभी लोग जान रहे हैं आज आज केंद्र सरकार आठ वर्षों से है आप लोग कोई भी आदमी जागरूक पत्रकार बाद में है पहले तो जागरूक नागरिक है कोई भी व्यक्ति हमको बता दें कि आठ वर्ष में आज तक बीजेपी के कितने लीडर के यहाँ रेड हुआ बताइए सब लोग दूध के धुले हैं अस्सी परसेंट बीजेपी के भ्रष्टाचारी लीडर जिसके यहाँ कभी भी रेड किया जाए तो करोड़ों करोड़ रुपया पकड़ाएगा तो क्या सीबीआई केवल एक पार्टी के लिए है दो पार्टी के लिए है विपक्षी के लिए है आपको पता होगा कि हमारे लीडर डिप्टी सीएम एम ऑनरेबल डिप्टी सी ने क्या कहा कहा कि भाई जो दो दो महीना एक एक महीना पर जो आप लोग रिहर्सल करते हैं आकर के उससे तो ज्यादा बेहतर है कि मेरे ही कैंपस में एक आप अपना कार्यालय स्थापित कर लें आपको आने जाने का भाड़ा भी बच जाएगा तो इससे भी बड़ा कोई बात हो सकता है और मैं फिर कहता हूँ एक बार नहीं सौ बार भी सीबीआई आएगी जाएगी ढाक का तीन पात उसको मिलेगा क्या मिला धंतो ग जहाँ भी रेड किया वहाँ क्या उसका फलाफल हुआ और जब सीबीआई किसी निष्कर्ष पर उन्नीस वर्ष में नहीं पहुँच पाई तो भाई आज होली मिलन करने के लिए आए थे कल और परसु होली है और इस अवसर पर आप पहुंचे हुए हैं पटना तो देखिए ये सब चलने वाला नहीं है 2024 के चुनाव के मद्देनजर जा, चूंकि जानती है अच्छी तरह से बीजेपी कि 40 में हमको एक का भी बोहनी नहीं होने जा रहा है यही सब में ये महागठबंधन के दल के ऊपर में महागठबंधन के जो नेता है उसको तंग और तबाह करने के लिए इस तरह का करतूत 2024 तक जारी रहेगा स्वाविक है, है। देखिए जिस दिन पूर्णिया का रैली था पचीस तारीख को उसी दिन दो रैली और भी था भारत के उनका नाम हम नहीं लेना चाहते हैं गाय गोबर गंगाजल वाले नहीं का।, नहीं। का तो कहने का मतलब है कि उनका भी रैली था और इधर हम लोगों का रैली था कहीं दूर दूर तक उसके सामने में वो लोग टिकता है क्या जिस तरह का पूर्णिया में अभूतपूर्व रंगभूमि के मैदान में भीड़ था जितना पब्लिक रंग भूमि के मैदान में था उतना ही पूरे पूर्णिया के हर एक चौक चौराहे पर था हर एक चौक चौराहा एक सभा स्थल में तब्दील हो चुका था तो देखिए उसको तो समझ में आ रहा है कि महागठबंधन जब चुनाव लड़ेगी बिहार में मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा का तो उस समय तो इनका बोहनी भी होने वाला नहीं तो इसी सबसे देखिए अभी दो अभी बहुत टाइम बाकी है अभी रोज देखिएगा कभी इसके यहाँ रेट कभी उसके यहाँ रेट कभी डराने के लिए उसके यहाँ रेट कभी डराने के लिए उसके यहाँ रेट अब तो नया परिपाटी चल गई